नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र, प्रकरण है हमारा सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में हम देखते हैं समाजशास्त्र तुलनात्मक दृष्टि से नया सामाजिक विज्ञान है, इसलिए अन्य विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र में निरंतर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता रहता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा को सबसे अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसके माध्यम से समाज के पूर्ण विश्लेषण में मदद मिलती है। समाज के दो पहलू हैं, पहला है संरचनात्मक और दूसरा है कार्यात्मक। समाज के ये दोनों पहलू अंतः संबंधित होते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। सामाजिक संरचना को समाज के लिए स्थिर प्रतिपादन के रूप में समझा जा सकता है। इसके लिए एक झील का उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे झील का स्थिर पानी सामाजिक संरचना के समान होता है। इस पानी में एक कंपन नहीं तो जो लहरें उठती हैं, या स्थिर पानी में जब हलचल पैदा होती है तो पानी की यह हलचल लहरों का उठना प्रकार्यात्मक पहलू होता है। इसी कारण बिजली के तार संरचना के समान होते हैं। इन तारों को छेड़ने से जो आवाजें उत्पन्न होती है वह बीड़ा का प्रकार्य है, अर्थात बीड़ा को जब छेड़ा जाएगा तो उसमें से तरंगे निकलेंगी, अर्थात आवाज ध्वनियाँ होंगी, आवाजें उत्पन्न होंगी, ये उस बीड़ा का कार्य है। संरचना का एक सरल अर्थ ढांचा है। संरचना किसी भी समाज का अंग है जो तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर और अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है, इनमें से जो भी परिवर्तन होते हैं वे अत्यंत ही मंद गति से होते हैं। जैसे प्रकृति का जलवायु परिवर्तन अत्यंत ही मंद गति से होता है और यह अस्थायी होता है, धीरे धीरे होता है और बहुत दिनों तक उसी तरह से स्थिर बना रहता है। इसलिए समाज का अमूर्त स्वरूप है, किंतु संरचना इसमें जटिल परिवर्तन करते रहते हैं जो समाज के लोगों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। संरचना सामाजिक संरचना परिभाषा, सबसे पहले कार्ल मैनहीम बोलते हैं कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवलोकन और विचार पद्धतियों का जन्म हुआ है। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। जैसे हर समाज में विभिन्न लोग हैं और उन लोगों को कुछ दायित्व दिया जाता है, उनके पास कार्य करने के लिए कुछ पद है, उन पदों को किस प्रकार से वो निर्वहन करता है ये एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। गिन्सबर्ग कहते हैं सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात समितियां, समूह और संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता है जिससे समाज का निर्माण होता है। ब्राउन के अनुसार मानव सामाजिक संबंधों के जटिल जाल के द्वारा संबंधित है। वह सामाजिक संरचना के इस वास्तविक अस्तित्व रखने वाले संबंधों के जाल को संबोधित करता हूँ। प्रिचार्ड कहते हैं केवल समूहों के अंतः संबंध ही सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। जॉनसन का कथन है किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो हर उस संस्था या उस व्यक्ति या उस पद का महत्व है जो सामाजिक संरचना को एक साथ बनाने में या अपनी सहभागिता को प्रकट करते हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। समाज में पाई जाने वाली संपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और दूसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में सबसे पहले है सहयोग। नंबर एक क्या है? सहयोग। दूसरा है आत्म
इसी प्रकार से असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, ये समाज की वे प्रक्रियाएं हैं जो सामाजिक प्राणियों के बीच असहयोगात्मक संबंधों को विकसित करती है। ये होता है प्रतिस्पर्धा, जिसमें हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अर्थात एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। दूसरा है संघर्ष और तीसरा है प्रतिकूलता। संघर्ष क्यों हो रहे हैं? संघर्ष सिर्फ इसलिए हो रहे हैं विचारों का एक दूसरे से न मिलना। और दूसरी चीज, यदि संघर्ष नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो हम एक से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा होती है, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। जब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तब तक आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित व्यक्तियों या कर्ताओं की अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सामाजिक संरचना समाज की अत्यंत विस्तृत और जटिल व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था में नए व्यक्ति या नए सदस्य सम्मिलित होते रहते हैं और पुराने व्यक्ति इस संरचना से बाहर होते हैं। सामाजिक संरचना में अस्थिरीकरण की भूमिका का स्थान होता है। अस्थिरीकरण का आधार व्यक्ति की विशिष्ट भूमिकाएं, भूमिकाओं या कार्यों के आधार पर सामाजिक स्तर का निर्माण। व्यक्ति अपने कार्यों, अपने पदों, अपने दायित्वों के आधार पर समाज में अपनी स्थिति को प्रकट करता है। जिस भी क्षेत्र में जो भी संस्था कार्य कर रही है, उस संस्था के सदस्यों को अनेक पदों से सुशोभित किया जाता है। उन पदों के अनुरूप कार्य करके उस संस्था को आगे बढ़ाना, उस समूह को आगे बढ़ाना, ये सामाजिक संरचना का प्रमुख दायित्व होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयों के द्वारा होता है। इस विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक अंतः संबंधों की एक व्यवस्था भी पाई जाती है। सामाजिक संरचना के समाज से बाहरी स्वरूप का आभास मात्र होता है। इसलिए ऐसा इसलिए है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, केवल हम उसको बाहर से अवलोकन कर सकते हैं, मूर्त रूप नहीं देखा जा सकता। सामाजिक संरचना यद्यपि अपेक्षाकृत स्थिर होती है, परंतु इसकी स्थिरता में परिवर्तनशीलता बनी रहती है। सामाजिक संरचना के निर्माण में सामाजिक परिस्थितियाँ, मानसिक अवस्था, आवश्यकताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि सामाजिक संरचना में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। इसलिए विभिन्न समाजों में सामाजिक संरचना का स्वरूप अलग अलग होता है। सामाजिक संरचना का कार्य समाज में संगठन की स्थापना करना और सामाजिक संगठन की इस व्यवस्था के द्वारा ही सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।